पंजाब के लुधियाना में भी किसान आंदोलन के समर्थन में आज लोग सड़क पर उतरे। आपको बता दें कि आज किसानों के संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था, उसको सफल बनाने के लिए लुधियाना शहर के लोग भी सड़क पर आ गए। इस दौरान लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की जा रही थी और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही थी। ए टू जेड न्यूज लाइव के लिए रूपेश कुमार ने लुधियाना की सड़कों पर किसान आंदोलन कार्यक्रमों का जायजा लिया। हम पहुंचे लुधियाना के टोल प्लाजा में, जहां पे सतीश दरिया के ऊपर जो किसान मोर्चे की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से यहां पे धरना प्रदर्शन किया गया है और पंजाब और पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया। उससे एक तरह हमारे साथ बीबी जी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रतिक्रिया और आएगी प्रतिक्रिया क्या, आएगी रणनीति क्या है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बीबी जी, अज पूरा देश बंद का सदा से लोगों तक जी सच की आवाज। देखो साढ़े पहला तो 10 महीने हो गए साढ़े किसान वीरां नूं जो कि दिल्ली बार्डर से बैठे आ, और साल तो उत्ते हो गया जिहड़ा सी साढ़े किसान वीर अंदोलन करते आ रहे हैं। तो ये सरकार दे ना जू तक नहीं सकती हैगी, जो इन्होंने काले कानून पास किए आने रल मिल के किए, बिचे अकाली है तो बिचे कांग्रेस आ, इन्हों तो कोई घट नहीं है। जिस तरह की कह लो जो मेन शहर के दुकानदार सारे किसानों के नाल ने, पर अंदरली जी गली अंदरूनी तबके के लोग ने कितने ना कितने कह लो मजबूरी ना दुकाना खोलते हैं या काम कर आहत ना, या गरीब तबके के लोग ने उन्हें बच्चे की कहना चाहोगे। देखो अच्छा गरीब वर्ग ही हर दम गरीब वर्ग के नाल ही धक्का उतार हूँ भी, जो कोई किसी चिट्टे से ज नशे से लाया जा रहा पता नहीं कितना अपना नशा करता, पर जड़ा खाता वनू दबाया जा रहा, जोड़ा वेचता आड़ वटी नहीं जा रही। एक कैप्टन ने देखो जद के सरकार यदि बनी सी इन्हें हाथ में गुटका साहब लैके तेन सहु खाधी सी कि मैं 4 दिन मैं जोड़ा नशा है वह खत्म करूँगा, पर एक ही तकड़ी के चिट्टे वटे आ, इन्होंने अज तक कुछ नहीं किया, नौजवान बर्बाद करने की कोशिश की। अजो ही नौजवान साडा टूल प्लाजा के दिल्ली बार्डर से बैठा और मोदी को अपने सरकार साबित करता कि साढ़े नौजवानों जो तुम नशेड़ी कहते अजो ही साड़ी नौजवानी जी सा देश संभाल रही है। जिथे पर कई लोगों का कहना है जो अपने आप में बिजनेसमैन कहते हैं, वो कहते हैं कि झगड़ा तो कहते किसान और सरकार का, पर उन्होंने जो आम जनता पिस रही उन्होंने क्या कहना नहीं पता है। वो लोग कह रहे हैं जेड़े इन्हों के बिके हुए है और मोदी सरकार हो गई, अकाली हो गए, कांग्रेस हो गई, ये उही लोग आ जेड़े इन्हों चमचे इन्हों की चमचागिरी करते पे आना खाण मिलना है उदू हो सकते हैं। जी असी अज पंजाब बंद 27 तरीक नूं पंजाब बंद कर रहे हैं जी। पंजाब बंद दे विच असी जिहड़े 3 कानून लिआंदे इन्होंने काले कानून उन्हां नूं रद्द करवाउण दे बारे असी अज पंजाब बंद कीता जी। असी सारे लोगों नूं अपने भरावां नूं अपील करांगे जिहड़े भी साडे धर्मां दे विच सारे लोग ने कि इह अज बंद दा सफल बनाओ ते मोदी सरकार नूं थोड़ा जिहा मैसेज भेजो कि इह जिहड़े काले 3 कानून आ इन्हां नूं रद्द कीता जावे। जी अगर आप अच्छ बंद करते बंद की कॉल करते पर सरकार से किसी तरह का कोई असर नहीं पै रहा, तो बार बार बंद करने का कोई निष्कर्ष कटना चाहते हैं आप उस साहब? सरकार इतना आदियां रहा जी, शुरू तो ही कई प्रधानमंत्री आए कई मुख्यमंत्री आए हैं, पर परमात्मा की कृपा जो होनी है एकदम हो जानी है। बाकी ये जिहड़ा वा असी साडा जिहड़ा जोर असी अपना जोर तो लाणवांगे जी, बाकी ये रद्द भी हो जाने जी क्योंकि परमात्मा तो वड्डा कोई नहीं जी। मोदी ये कोई कुंभना मेला तो है नहीं जिहड़ा 12 साल बाद होना जी, ये तो मोदी अज नहीं कल चले जाऊगा जी, फिर दोबारा नवा प्रधानमंत्री आ जो वो कर दूगा जी। कोई गल नहीं, असी जब तक है असी उदों तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे इन्हां जी, जो भी साडा संघर्ष चलता रहूगा जी। इस बीच जिवें लोकां दा समर्थन काफ़ी मिले शहर के दुकानदारों का भी समर्थन तुहानूं मिल रहा, ये कितना तुहाडा हौसला किस तरह है? देखो जी ये जो भी समर्थन शहर कर रहे हैं बहुत वधिया गल है जी, पर असी समर्थन नाल असी अपने हक लई लड़ने आ, लड़ने तैयार खड़े हैं जी। असी अपने हक लई जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं आपके हक लई कर रहे हैं, देश के हक लई कर रहे हैं, सारी जनता के हक लई कर रहे हैं। देखो जी मैं पिछले साल सरों बीजी सी 4100 रुपये रेट है जी, एक ही बाबे रामदेव ने 8500 रुपये खरीदी है जी। अज तेल की कीमत देख रही 200 रुपया हो गया जी, ये सारा मोदी भगत करके हो रहा जी, जिन्हें भी मोदी के भगत आ गलत फायदा उठा रहे हैं, चीज़ में स्टोर कर ली दुगने रेट दे करके बेचती जी। ये जो भी है 3 काले कानून है खेती वास्ते, बहुत देश में मारू कानून है जी,
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।